स्वागत करते हैं आपका इंडिया के सबसे स्मार्टेस्ट कीटो चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। डोलो 650 नाम तो सुना होगा। अगेन पिछले कुछ सालों में अगर हम पैरासीटामोल 650 mg कैटेगरी की बात करें तो इसमें डोलो 650 जो ब्रांड है ये टॉप मोस्ट है एंड इसके आसपास भी कोई नहीं है। तो ना अचानक से जो एक पूरा इंसर्जेंस आया है, पूरी राइज आई है डोलो 650 ब्रांड के मेडिसिन में, आखिर ऐसा क्यों है आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसमें क्या कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्या इलीगल है, सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। सो रीसेंट एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि डोलो 650 जो ब्रांड है इसने कुछ 1000 करोड़ रुपीस के लमसम डॉक्टर्स को ब्राइब दी है, उनको फ्रीबीज दी है, रिश्वत दी है कि आप हमारे मेडिसिंस को प्रमोट कीजिए, उन्हें क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को या पेशेंट्स को रेकमेंड कीजिए। पिछले 1.5 साल की अगर हम बात करें, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, तो पैंडेमिक से लेके दिस ईयर जनवरी 2022, इस 1 से 1.5 साल के ड्यूरेशन में डोलो 650 पैरासीटामोल 650 mg के कम से कम 350 करोड़ टैबलेट्स परचेज किए गए। नाउ इन टैबलेट्स को अगर आप एक के ऊपर एक अगर आप पाइल करते हो तो ये इसकी जो टोटल हाइट है ये कम से कम बुर्ज खलीफा तक जाएगी। तो इतने वर्थ ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ की जो पैरासीटामोल है ये कंज्यूम की गई है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, यहाँ पे करप्शन साफ साफ देखने को मिल सकता है कि कैसे डॉक्टर्स जस्ट कोई फार्मा ब्रांड उनको पैसे दे रही है, कुछ फ्रीबीज दी उनको, तो ये एक पर्टिकुलर ड्रग्स को वो रेकमेंड करने लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोलो 650 की हिस्ट्री क्या है। तो ये 1993 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसके जो मैनुफैक्चरर हैं दैट इज़ माइक्रो लैब्स बेस्ड बैंगलोर, एंड तब से लेके आज तक ये मार्केट की वन ऑफ दी मोस्ट टॉप लीडर्स में से एक है। एंड अगर हम पैरासीटामोल 650 mg कैटेगरी की बात करें तो उसमें डोलो 650 अनबीटेबल किंग है, मतलब ये टॉप पर है ना। वो क्यों है ये वीडियो उसी बारे में है। तो पिछले कुछ रीसेंट ईयर्स में इसकी जो पैरासीटामोल का कंजम्पशन है वो काफ़ी बढ़ा, एंड उसके पीछे का रीज़न ये है ब्राइब्स वर्थ रुपीज़ 1000 करोड़ रुपीज़ विच हैज़ बिन गिवन टू द डॉक्टर्स एंड ऑल दी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। आप इसलिए देखोगे कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिकल शॉप के जितने भी केमिस्ट हैं वो धड़ल्ले से इस मेडिसिन को रेकमेंड करते हैं लोगों को। लोग भी खुद जा रहे हैं रेफरेंस लेके कि हमें बुखार है, हमें तबीयत खराब है, हमको पेन हो रहा है, तो प्लीज़ हमको पेन किलर के रूप में पैरासीटामोल दे दो। सो पैरासीटामोल इज़ अ मेडिसिन, वो एक पेन किलर है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली अदर पेन किलर्स के उतने नहीं होते हैं, तो किडनी पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बेसिकली आपको जब बुखार होती है या इवन डॉक्टर्स देमसेल्फ जब कोई पेट से सफ़र कर रहा है, अगर किसी को बुखार है तो डॉक्टर्स उनको रेकमेंड करते हैं कि यू कैन टेक पैरासीटामोल। अब यहाँ पर आप जो डोलो 650 का केस है वो साफ साफ ये दर्शाता है कि डज नॉट मैटर कि उनका जो पैरासीटामोल है वो कितना एफिशिएंट है अपने काम को करने में, कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं, साइड इफेक्ट्स हैं तो कितने हैं, ये डॉक्टर्स जनरली से रिकमेंड कर रहे हैं। नाउ ये जो डॉक्टर्स कर रहे हैं क्या ये एक्सेप्टेबल है कि आप जस्ट बिकॉज कमीशन बेसिस पे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है ना, कमीशन बेसिस पे काम तो हर जगह होता है, डॉक्टर्स वैसे भी फार्मा ब्रांड्स को रिकमेंड करते हैं, कुछ पर्टिकुलर फार्मा ब्रांड्स को रिकमेंड करते हैं जिसके बदले में उन्हें कमीशन मिलता है। तो नाउ ये आइडियल सिनेरियो नहीं है, ये साफ साफ इसका मतलब ये है कि आप अपने ब्रांड्स को या आप अपने फार्मा कंपनीज को बहुत देख समझ के आप चूज़ करते हो। अगर आपको लगता है कि ये फार्मा अच्छे मेडिसिंस बनाती है, आप रैंडमली ऐसे किसी भी फार्मा को एंडोर्स नहीं कर सकते या उनके मेडिसिंस को आप बाकियों को सेल आउट नहीं कर सकते अगर उनके मेडिसिन अच्छे नहीं हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि एक डॉक्टर आपको जो भी चाहे मेडिसिन आपको सेल आउट कर सकता है, फिर चाहे उस मेडिसिन के कोई यूज़ है या फिर वो चाहे मेडिसिन पोटेंट इनफ नहीं भी हो तो भी वो मेडिसिन आपको वो बोल देगा कि आप जाके फलाने केमिस्ट शॉप से ये परचेज कर लो। अभी ये सीन इतना कैसे बिगड़ा, चलो इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना इसमें काफ़ी लूप होल है। जो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो जो MCAI है, वो बेसिकली ऐसे किसी भी हैबिट को, ऐसे किसी भी ये जो ब्राइब वाला जो फीचर है या फिर फ्रीबीज जो डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं कहीं से भी, इसको जो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये इसको प्रोहिबिट करता है, ये इलीगल है। अगर MCAI को पता चलेगा कि कोई भी इंडियन डॉक्टर ऐसे कहीं से भी पैसे लेकर, पैसे खा के, ब्राइब लेके कोई मेडिसिन रेकमेंड कर रहे हैं दूसरों को, तो उन पर केस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो इंडियन डॉक्टर्स एसोसिएशन है
वो MCI के रेंज से बाहर है, उसकी विसिनिटी से बाहर है। यानी MCI जो भी कुछ कहता है वो इंडियन डॉक्टर्स एसोसिएशन नहीं मानते हैं। इनफैक्ट अगर आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, डॉक्टर्स एसोसिएशन बनाने के लिए आपको केवल 7 डॉक्टर्स चाहिए। 7 डॉक्टर्स मिलके कोई भी एक एसोसिएशन बिल्ड कर लेंगे, डॉक्टर्स एसोसिएशन वो बिल्ड कर लेंगे, एंड इसके बाद वो MCI के या गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को ओवररूल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल सन 2022 के फेब महीने में ही एक डिसीजन पारित किया था, जहाँ पर उन्होंने ये साफ साफ कहा कि कोई भी फार्मा कंपनी अगर किसी डॉक्टर को पैसे खिला के, फ्री बीज दे के, कुछ भी करके अगर उनको कोई मेडिसिन रेकमेंड करने के लिए बोलती है तो इट्स रॉन्ग, उस फार्मा कंपनी में केस किया जाएगा, कुछ रिक्वायर्ड एक्शन लिए जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई भी डॉक्टर्स पे तंज कसने की बात नहीं कर रहा, सब कोई फार्मा कंपनीज के बारे में बात करते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है हम उन पे केस करेंगे, बट वॉट अबाउट द डॉक्टर्स जो कि ओपन हैंडेडली वो ब्राइब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका क्या? उनको आप कैसे ऑडिट करोगे, उनकी आप कैसे देख रेख करोगे? एंड जहाँ तक आपको मैंने बताया कि डॉक्टर्स एसोसिएशन उनके किसी भी डिसीजन को नहीं मानता है। एंड अभी जो हमने रिसेंट केस देखा Doro 650 का, जिस कारण से इनकी सेल्स इतनी ऊपर चली गई, तो साफ साफ अब क्वेश्चन ये है कस्टमर्स के मन में या इंसान के मन में कि जहाँ पे इंडिया में हम ये कहते हैं कि डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, which is in most of the cases, but what about those doctors who are accepting bribes and suggesting any random medicines which would give them good commission? तो इस practice को, इस malpractice को आप कैसे abolish करोगे? तो ज़रूरी है कि government of India कुछ ऐसे strong principles and reforms लेकर आए जहाँ पर ये जो malpractice चल रही है ये बंद किया जाए। पिछले कुछ साल पहले इसराइल में कुछ ऐसे ही सीन हुआ था जहाँ पर इसराइल ने बेसिकली ये डिसीजन दे दिया, उनके कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया, एक बिल पास हुआ कि कोई भी फार्मा कंपनी किसी भी डॉक्टर के साथ 1-to-1 मीटिंग नहीं कर सकती है। एंड ऐसे कुछ साल पहले US की गवर्नमेंट ने एक इसराइल की एक मेडिकल कंपनी थी जिसने शिकागो के किसी डॉक्टर को पैसे दिए थे और कहा कि आप हमारे मेडिसिन को रेकमेंड करो, हमारे मेडिसिन के बारे में अच्छी अच्छी बातें करो। तो गवर्नमेंट ने उस इजरायली मेडिकल कंपनी के ऊपर केस लगा दिया था US गवर्नमेंट ने, एंड शायद मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको हर्जाना पे करना पड़ा। तो वक्त आ गया है कि इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले जहाँ पे ये जो माल प्रैक्टिस पब्लिकली चल रही है ये बंद किया जाए, एबॉलिश किया जाए, एल्स आप कभी भी किसी डॉक्टर पे बिलीव नहीं कर पाओगे कि जो मेडिसिन मुझे दिए जा रहे हैं, जो पूरा पोर्टफोलियो, जो पूरी टैबलेट मुझे दिए, जो पूरा फाइल मुझे दे रहे हैं, ये मेरे लिए ज़रूरी है भी कि नहीं है। जब डॉक्टर किसी भी मेडिसिन को रेकमेंड करते हैं तो प्लीज़ आस्क देम कि ये जो मेडिसिन आप मुझे रेकमेंड कर रहे हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये मेरे बॉडी में जाकर क्या करेगा। आपको उसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है बिकॉज आपको कंज्यूम करने वाले हैं, एंड वी ऑल नो केमिकल्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो ड्रग्स हैं, वो केमिकल से बने हैं। कोई भी केमिकल आपके बॉडी में जाके कोई भी साइड इफेक्ट या रिएक्शन आपको दे सकता है, एंड वी हैव सीन इट, वी नो अबाउट इट। तो बेहतर होगा कि इस पर कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए जाएं, एक प्रॉपर प्रोविजन निकाला जाए जहाँ पे डॉक्टर को ये बताना मस्ट होगा कि वो अगर किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन रेकमेंड कर रहा है उसके पीछे का कॉज क्या है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लोगों को जानने दीजिए कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो प्रॉपर नॉलेज है, एल्स बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है कि Doro 650 की जो सेल्स है वो इतनी राइज कैसे हो रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार। सी यू सून।